भारत जोड़ो यात्रा पर फिर विवाद, यात्रा में बच्चे के शामिल होने का विरोध। एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, एनसीपीसीआर ने कार्रवाई करने को कहा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो कार्यक्रम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कांग्रेस की इस यात्रा में बच्चों के भाग लेने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें। आयोग का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें बच्चों को भाग लेने नहीं देना चाहिए। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा है कि राहुल गांधी बच्चों को राजनीतिक हथियार के रूप में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कानूनगो ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इसमें आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का बाल संगठन जोहार बाल मंच राजनीतिक मकसदों से बच्चों को निशाना बना रहा है। यह आरोप भी लगाया गया है कि राहुल गांधी राजनीतिक कार्यक्रम और कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को घसीट रहे हैं। कानूनगो ने कहा है, जब से ये शुरू हुआ है विचलित करने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिनमें ये देखा जा सकता है कि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। ये शिकायतें भी मिली है कि बच्चों के हाथों में कांग्रेस का झंडा पकड़ाया जा रहा है और उन्हें राजनीतिक नारे लगाने को कहा जा रहा है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का बाल संगठन जोहार बाल मंच भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी बच्चों के स्कूल जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं और उन्हें राजनीतिक अभियान से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद भी कई ट्वीट किए जिनमें उनके साथ बच्चे चलते नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल 12 राज्यों से गुजरकर 3,570 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाले हैं। ये यात्रा 5 महीनों तक चलेगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में ये रैली कर रहे हैं। इससे पहले केरल के एक चर्च में एक पादरी से मुलाकात करने पर भी राहुल गांधी की आलोचना हुई थी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था क्योंकि एक वीडियो में कांग्रेस सांसद को विवादास्पद पादरी जॉर्ज पोनैया के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था। पादरी ने एक टिप्पणी की थी कि यीशु ही एकमात्र परमात्मा है जो किसी शक्ति या दूसरे देवताओं के विपरीत मानव रूप में खुद प्रकट हुए थे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की आलोचना की थी। इस तरीके से महंगी टी-शर्ट पहनने पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज किया था।